नमस्कार दोस्तों, हमें क्रिएटिव आर्किटेक्ट्स और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 बाय 45 फीट का एक बेहतरीन प्लान आप सभी के लिए लेकर आए हैं। ये जो प्लॉट था, इसके दो साइड में रोड है, तो ये हमने इसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि दोनों साइड से देखने में काफी खूबसूरत लगे। तो आपको इस प्लान का फ्रंट एलिवेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस प्लान की पूरी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर भी एक बार उसको अच्छे से समझ सकते हो। ये रहने वाला है दोस्तों इस प्लान का टॉप व्यू। यहाँ पर हमने स्विमिंग पूल के साथ साथ सिट आउट एरिया भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने दो मेन गेट दिए हुए हैं। वहां से जैसे आप अंदर आते हैं, आप पोर्च में एंट्री करते हो। इसके डायमेंशंस आपको 11 बाय 18 फीट की देखने को मिलेगी। यह है आपका लॉन 11 बाय 12 फीट का, और यहाँ पर हमने साइड सेटअप भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। यह रहने वाली है आपकी मेन एंट्रेंस। 4 फीट वाइड यहाँ पर आपको डोर देखने को मिलेगा, और थोड़ी सी गैलरी का एरिया भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये है दोस्तों आपका ड्रॉइंग कम डाइनिंग रूम। 9.5 बाय 14 फीट की इसकी डायमेंशंस है, और इस डोर से भी दोस्तों आप अपने डायरेक्ट ड्रॉइंग रूम में एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूजा घर। ये रहने वाला है आपका पूजा घर। इसकी जो डायमेंशंस है वो है 6.5 बाय 3.5 फीट की, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको जो आपका किचन वाला एरिया है वो देखने को मिल जाएगा। 10.5 बाय 7 फीट की इसकी डायमेंशंस है। वेंटिलेशन के लिए आपको बड़ी विंडो यहाँ पर हमने प्रोवाइड की हुई है। दोस्तों, आपके किचन के जस्ट सामने आपको बेडरूम नंबर 1 देखने को मिल जाता है। दोस्तों, एक बेसिक बेडरूम है, और इसके जो डायमेंशंस है वो है 10 बाय 11 फीट की। वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि आपके बाहर लॉन वाले एरिया से हमने कनेक्ट की हुई है। ये सामने आपकी टीवी यूनिट है, और इसी में दोस्तों आपको एक स्टोर रूम भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। आप चाहें तो इस स्टोर रूम को एज अ वॉशरूम भी इस्तेमाल में ले सकते हो। दोस्तों, जो आपका ड्राइंग रूम है, वहीं से हमने एक कॉमन वॉशरूम भी प्रोवाइड किया हुआ है, वो मैं आपको अब दिखा देता हूं। जो सामने दोस्तों आप अभी ये डोर देख पा रहे हो, ये आपका कॉमन वॉशरूम है, और इसकी जो डायमेंशंस है वो है 7 बाय 5 फीट 9 इंच की, और इसका वेंटिलेशन आपको साइड सेटबैक से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस ग्राउंड फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे। एक मैं आपको दिखा चुका हूं, अब मैं लेकर चलता हूं आपको बेडरूम नंबर 2 की ओर। तो ये रहने वाला है दोस्तों आपका बेडरूम नंबर 2। इसमें आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाता है, और इस बेडरूम की जो डायमेंशंस है वो है 12 बाय 14 फीट की। काफी बड़ी वार्डरोब यहाँ पर हमने प्रोवाइड की हुई है, उसी के साथ साथ टीवी यूनिट आप देख ही पा रहे हो। और ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। इसकी जो डायमेंशंस है वो है 7.5 बाय 6.5 फीट की, और इसका जो वेंटिलेशन है दोस्तों वो आपका साइड सेटबैक वाले एरिया से हमने प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों, आपको इस प्लान के इंटीरियर्स अभी तक कैसे लगे, आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपना सुझाव भी रख सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो में हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्लान। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर की ओर। यहाँ पर आपको 3 फीट वाइड स्टेयर्स देखने को मिलेगी वुडन फिनिश के साथ, और दोस्तों वुडन ही हमने यहाँ पर रेलिंग रखी हुई है। यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप पहुँचते हो दोस्तों आपका ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में, जिसकी डायमेंशंस है 9.5 बाय 14 फीट की। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका जो नीचे मैंने आपको गेट दिखाया था, एक ऐसे गेट यहाँ पर भी हमने दिया हुआ है, जो कि आपको एंटर कराता है आपकी बालकनी वाले एरिया में। तो ये आपकी बालकनी रहने वाली है। ये आपकी जो बालकनी है वो फ्रंट बालकनी से भी हमने अटैच रखी हुई है, वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो ये रहने वाला है दोस्तों आपका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1। इसके डायमेंशंस आपको 12 बाय 14 फीट की देखने को मिल जाएगी। ये आपकी टीवी यूनिट है, और इसमें भी काफ़ी बड़ी वार्डरोब हमने दी हुई है। अटैच वॉशरूम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी डायमेंशन है दोस्तों 7.5 बाय 6.5 फीट की। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्लान है, ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप दो भाइयों के हिसाब से कोई प्लान देख रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ये नीचे भी ठीक वैसा बना हुआ है जैसा ये हमने ऊपर डिजाइन किया हुआ है। सामने है आपका पूजा घर 6.5 बाय 3.5 फीट का, और उसके लेफ्ट साइड में आपको किचन देखने को मिल जाती है। किचन की भी डायमेंशंस आपकी सेम है, 10.5 बाय 7 फीट की। वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आपको विंडो देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, किचन के जस्ट सामने आपका है फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 2। 10 बाय 11 फीट इसकी डायमेंशंस है।
ये आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने को मिल जाती है जो कि बालकनी से कनेक्टेड है, और ये है आपका स्टोर रूम। आप चाहो तो इसे भी एज अ वॉशरूम इस्तेमाल में ले सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको जो आपका फर्स्ट फ्लोर है इसका भी कॉमन वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमने ड्राइंग रूम और ये डाइनिंग रूम से कनेक्ट डायरेक्ट रखा हुआ है। तो ये रहने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम, और इसकी जो डायमेंशंस है वो है 7x6 फीट की, और वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको पीछे काफ़ी बड़ी विंडो देखने को मिल जाती है। अब जो आपकी मेन एंट्रेंस थी नीचे, ऐसी एक एंट्रेंस यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड की हुई है, और दोस्तों ये एंट्रेंस आपकी बालकनी में जाके खुलती है। 3 फीट वाइड यहाँ पर आपको ये बालकनी देखने को मिल जाएगी, और ये कनेक्टेड है दोनों साइड से, और सामने से देखने में कुछ ऐसी लगती है। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर का पूरा प्लान। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको टेरेस की ओर। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 3 फीट वाइड स्टेयर्स वुडन फिनिश के साथ और वुडन रेलिंग के साथ हमने प्रोवाइड की हुई है। दोस्तों ऊपर हमने थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, जैसा कि आप लोग अभी देख ही पा रहे हो। यहाँ पर आप अपना सामान स्टोर करके रख सकते हो। और दोस्तों ये आपका डोर है, यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप एंटर करते हो अपना टेरेस पे, यहाँ पर आपको थोड़ा सीट आउट एरिया हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ये आपका दोस्तों यहाँ पर हमने झूला भी लगा के दिखाया हुआ है। और दोस्तों ये है आपका स्विमिंग पूल, और उसी के साथ साथ ये रहने वाला है आपका सीट आउट एरिया। तो ये था हमारे आज के इस प्लान में 30x45 फीट, और टोटल एरिया की बात करूं तो 1350 स्क्वायर फीट का ये पूरा प्लान था। आपको एक प्लान कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आप हमसे कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।